हेलो एवरीवन सो आप सब कैसे हैं ये यू पी एस सी सी एस सी आई पी एल जो हम सब खेल रहे हैं मिलकर वी ऑल आर द प्लेयर्स वी ऑल आर द मतलब देखने वाले भी हमें और खेलने वाले भी हमें है ना बड़ा इंटरेस्टिंग आई पी एल सो लेटस स्टार्ट विद द कोर्स दो स्टार्टेड हेयर फ्रॉम फोर्टीन फरवरी ऑनवर्ड्स और पीछे आपने मेरे दो लेसन सुन लिए हैं आप सबके मैं कमेंट्स देखता हूँ यूट्यूब पर बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं और काफ़ी एनर्जी मिलती है काफ़ी मैं वैसे भी लाइफ में बड़ा आशावादी हूँ सो so, अच्छा लगता है दैट यू पल आर प्रेसिंग एट अ लॉट और फ़िलहाल हम सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो राइश खन्ना की एक मूवी है ना हम सब दुनिया में आते हैं अपने किरदार को करने के लिए बस उस किरदार को पूरी ईमानदारी के साथ करें तो मी माइसल डॉक्टर रविगरी आप सबके साथ एक किरदार निभा हूँ वो किरदार है यहाँ पर आपको आई पी एल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरी कोशिश है कि आपको छोटे से क्रैश कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा देने की ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिमाग खोलने की आँख खोलने की और काफ़ी हद तक आपको सलेक्शन दिलाने की पूरी भरपूर कोशिश और सिर्फ मेरा ही नहीं दोस्त ये यू जो है ना एक टीम वर्क है और आई हैव ट्रस्ट ऑन माई ऑल द टीम राहुल सर व्योमिकेश सर चंद्रमौली सर अनिरुद्ध सर राहुल भारद्वाज सर सिद्धार्थ सर और संजय सर दिस ऑल पीपल आर जेम्स हेयर जेम ऑन हेयर इन दिस प्लेटफॉर्म और आप सब इनका भरपूर यूज़ कीजिए मतलब दिस ऑल दिस ऑल गाइस आर हेयर फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द सेशंस तो लिटरली ये सब कुछ बहुत बहुत पहनती टीचर हैं ये सारे के सारे को मैं जानता हूँ ये बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए दिन रात करते हैं संजय सर को तो मैं कभी देखता हूँ एकदम आँखें लाल होती हैं बट स्टिल ही इज़ टेकिंग द क्लासेस सो so, एक्सीलेंट मैं सबकी बात बोलूँगा ये सारे कैसे राहुल सर सब कहीं एवरी बडी इज़ आर देर आर यूनिक और यू पीपल आर लकी टू गेट द ऑल द फैकल्टीज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट दे आर टेकिंग योर क्लासेस सो चलिए बहुत हो गई तारीफ और हाँ मैं तो भाई बेस्ट हूँ ठीक है लेकिन वो प्रूफ कौन करता है पता है आप प्रूफ करते हो क्योंकि दुनिया में हर टीचर को लगता है दैट उससे अच्छा कोई पढ़ाता नहीं है लेकिन मेरा थोड़ा सोचना अलग है मैं अपने आप को बेस्ट तब मानता हूँ जब यू पीपल विल प्रूव इट आई एम द बेस्ट और वो प्रूफ आप कैसे करते हो वो प्रूफ आप करते हो सिर्फ अपने सिलेक्शन से तो प्लीज प्रूव दैट आई एम द बेस्ट टीचर क्योंकि दुनिया के हर टीचर को लगता है उसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता जैसे दुनिया के हर स्टूडेंट को लगता है उसे अच्छा कोई स्टूडेंट नहीं उतनी मेहनती करने वाला अंत भला तो सब भला तो मैं पॉजिटिव मेरी पूरी टीम पॉजिटिव फॉर इन फरवरी से पूरा अन एकेडमिक का पूरा का पूरा, पूरा प्लेटफॉर्म जो यूपीएससी के लिए दिन रात आपके साथ लगे हुए हैं उन सबको आप शुक्रिया अदा करिएगा ओके चले सो दिस आर साइंस एड टेक और लेसन नंबर थ्री इस क्रैश कोर्स सेशन में मैं डॉक्टर रवि अग्रहरी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी माई सर रवि अग्रहरी आई हैव डन मई पी एच डी एट टी डे आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल आयर्स एट गोरखपुर फॉर फेस टू फेस क्लासेस फिर एक छोटी सी इंस्टीट्यूशन है मैं आपको साइंस टेक का इन्वयमेंट पढ़ाता हूँ फ्रॉम लास्ट नाइनटीन ईयर्स आई एम दस यू पी एस सी प्रोफेशनस थाउजेंड प्लस ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन

आई थिंक इट इज़ एनफ अब सीधा हम काम की बात करते हैं अन अकेडमी पर ये जो पी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यू कैन सी ऑन टी डॉट एम ई रवि यू पी एस पर मेरा जो प्रोफाइल है वो अन अकेडमी डॉट कॉम ऑब्लिक रेट ऑफ़ रवि रेट टू जीरो वन जीरो पर है यहाँ पर मेरे लाइव सेशन प्लस के सेशन फ्री सेशन सब कुछ ले सकते हैं याद रखेंगे इस पी के लिए आप जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यू पीपल कैन गो एंड डायरेक्टली यू कैन टेक इट रवि यू पी एस एंडर स्कोर एन अकेडमी यहाँ पर आपको सारे पी डी एफ अवेलेबल हैं फाइन बायोलॉजी का सेशन चल रहा है भूलेगा नहीं ट्वेंटी थर्ड को ट्वेंटी थर्ड को ठीक छः बजे और ऑटोमेटिक को ठीक नौ बजे पी पर मेरी बायोलॉजी के सेशंस से, हैं भूलेगा नहीं वहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और अब बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग अगले लेसन में स्पेशल क्लासेजन अकेडमी पर यहाँ आपको मिलेंगे इट्स अ फ्री ऑफ फ्री ऑफ क्लास जहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी में मैं आपको डायस्ट सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जितने भी एसपेरेंट हैं आप चाहे वो यू के लिए जा रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पी के लिए जा रहे हो बैंकिंग एस एस सी पी ओ बी पी एस सी यू पी एस सी यू पी पी सी एस यू पी एस सी या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आप उस सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें इससे आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी बायोलॉजी की तो बायोलॉजी के लिए हम ट्वेंटी थर्ड फरवरी को मिल रहे हैं सिक्स पी एम और नाइन पी एम दो सेशन में आपको लेने वाला हूँ वही डाय सिस्टम थोड़ा बड़ा बड़ा लेसन है उसे आप मिस नहीं करेंगे अन अकेडमी के बेस्ट एजुकेटर्स जो पूरे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं आपको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं फॉर ऑल ऑफ यू आप इनको भरपूर यूज़ कीजिए यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू क्रैक यू पी एस सी एज सुन एज पॉसिबल दैट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यहाँ पर आई एल टेक योर क्लासेस फॉर साइंस एंड टेक एनवायरमेंट जो पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसके पूरे के पूरे लाइव सेशंस प्लस पर इसके अलावा स्पेशल सेशन जो भी मैंने आपको बोला दैट आई एम कनेक्टिविथी ऑन द ट्वेंटी थर्ड भूलेगा नहीं उस पर जुड़े रहिएगा और इसके अलावा इन दोनों टॉपिक्स की अगर बात करें तो थर्टी टू थर्टी फाइव क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं दैट इज इवन से से आराम ट्वेंटी प्लस क्वेश्चन आफ्टर लिस्टिंग क्वेश्चनिंग क्लासेज आर रीडिंग माई बुक्स यू पीपल कैन सॉल्व इट क्रैक यू पी एस सी विध एन अकेडमी लाइट सब्सक्रिप्शन जो आपको फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट देता है आपके आपके जी एस ओ सी साइड मोक टेस्ट सीरीज पर तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन इट बिफोर टिल ट्वेंटी थर्ड फेवरी और इसको ज्वाइन करने समय रवि यूपीएससी कोड को यूज करना ना भूलेक्सल फरवरी को ना मत भूले यहाँ को अच्छे खासे स्कॉलरशिप और रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं आने जो है UPSC, CSE, है, और अ पार्ट ऑफ यहाँ पर सबसे बड़ी फायदा यहाँ पर क्या होता है हो आपकी प्रिपरेशन का इवेलुएशन हो जाता है दोस्त और इसको यूज करते कभी भी कोर्स को ज्वाइन करें तो रवि यूपीएससी कोड को जरूर यूज़ करें दिस इज द लेसन नंबर थ्री और लेसन नंबर थ्री में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। और फिर मैं आपको बता दूँ कि साइंस अटैक में आपको मेरी जो फिफ्थ एडिशन की बुक आती है साइंस अटैक में हिल में उसे आप लीजिए और उसी को पढ़िए उसी से आपके पेपर के क्वेश्चन बन जाएंगे उनमें आपको इलेवन चैप्टर्स मैंने मैंशन किए हैं और साइंस टेक में यही इलेवन चैप्टर्स आपको अपने फिल्म्स के लिए भी पढ़ने हैं गोइंग फॉर आइदरी आर फिल्म यू चैप्टर्स के नाम में एक बार फिर से दे, बोल देता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया एनर्जी स्पेस टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिफेंस टेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ए आई रोबोटिक्स नो टेक्नोलॉजी पार्टिकल फिजिक्स बायो टेक्नोलॉजी हेल्थ एंड डिजीज एंड मिसलेनियस टॉपिक अस स्टार्ट आज का लेसन है न्यूक्लियर डिप्लोमेसी लेसन नंबर थ्री और ये लेसन नंबर थ्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये टॉपिक काफ़ी हद तक आपको इंटरनेशनल रिलेशन से भी जोड़ता है इवन जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं वहाँ पे भी ये टॉपिक आपको मिलता है ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं आपको जैसे आई की बात होगी एडिशनल प्रोटोकॉल की बात होगी एन की बात होगी एन की बात होगी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की बात होगी वासेनार अरेंजमेंट की बात होगी है ना एम की बात होगी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिजम की बात होगी ये सारे के सारे डिस्कशन एक साथ आज आपको कराता हूँ और आज के बाद आपको कभी भी इस टॉपिक पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आइडर्स यू आर गोइंग फॉर द प्रम्स यू आर गोइंग फॉर द मेन्स और या तो आप इंटरव्यू में जाते हैं जमकर मजा आने वाला इस टॉपिक में कसकर सीट पकड़ लीजिए अब हम दौड़ने के लिए तैयार हैं दोस्त ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने एक पीरियडिकल ऑर्डर बनाया है और इस पीरियडिकल ऑर्डर के द्वारा मैं आपको सारी चीजें समझाने की पूरी की पूरी कोशिश करता हूं जरा ध्यान दीजिएगा कहानी शुरू होती है जब एग्नबम गिरना था उसके पहले की यानी कहानी शुरू होती है 1945 के पहले की होता क्या है पूरी दुनिया अपने आप में बताऊं अपने आप को जो कंट्री सोचते हैं कि मैं बहुत ही पावरफुल कंट्री हूं मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है वो सारे के सारे अपना एटम बम बना रहे होते हैं एटॉमिक टेस्ट कर रहे होते हैं सब कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि अगर एटम बम गिरता है तो क्या होगा और फाइनली वो दिन आता है दोस्त 1945 जब एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया जाता है आप लोगों को पता होगा द नेम ऑफ एटम बम वाज लिटिल बॉय एंड फैट मैन और ये भी आपको पता होगा उसमें से एक आइटम बम जो था वो यूरेनियम वाला था और एक आइटम बम जो था वो प्रोटोनियम वाला था और जो आइटम बम गिराया गया वो एक सुपर फास्ट बम प्लेन था जिसका नाम था एनोलागे और ऐसा कहते हैं कि पायलट जो था वो सेम ही था सेम पायलट ने इसी फाइटर प्लेन से लिटिल बॉय ऑफ फैटमैन को हिरोशिमा शिभा नागा सागी गिराया जो कि यूरेनियम और प्रोटोनियम मेड एटम बम थे दिस ऑल टू एटम बम ड्रॉप इन 1945 ठीक है इसके पहले काफी कंट्रीज एटम बम बनाने के पीछे पड़े हुए, हुए थे और देखो ऐसा है अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ वो गलत भी नहीं कर रहे थे क्यों गलत नहीं कर रहे थे क्योंकि देखो ये पावर जो है ना ये हर कोई चाहता है चाहे वो आप हो चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो या कोई भी ब्यूरोट हर आदमी चाहता है कि बी पावरफुल और इट इज ह्यूमन नेचर गलत भी नहीं अगर आप में पोटेंशियल है तो आपको लेना चाहिए तो ठीक है हर आदमी दुनिया में क्या चाहता है अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है पावरफुल बनाना चाहता है तो उस पावरफुल बनाने के चक्कर में वो एटम बम बनाने के पीछे पड़ा हुआ था और काफी कंट्रीज ने ये सोचा था अगर आई विल हैव एटम बम तो आई विल बी वेरी पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा अगर एटम बम गिरेगा तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है और वो चीज़ आई वो डेट आया वो दिन था नाइनटीन 1945 को जब हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराया जाता है दोस्त तब जाके लोगों को समझ में आता है कि इस तरह की चीजें सही नहीं है ये सिर्फ आपको नहीं मारती हैं आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देती हैं तो एटम बम नॉट ओनली डिस्ट्रॉय यू इवन डिस्ट्रॉय जनरेशन टू जनरेशन और यही कहानी की शुरुआत है तो कहानी का बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया अब कहानी की शुरुआत 1945 से मैं कर रहा हूं टॉपिक बहुत मजेदार है।, है ना पता नहीं आपको मजा आ रहा है या नहीं लेकिन मुझे पढ़ाने में खूब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ठीक है सो लेट अस और यहीं पर हम आपसे साथ यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर के भी डिस्कशन करेंगे कि पीछे यूपीएससी ने यहाँ पर किस तरह के प्रश्न पूछे हैं यू विल लिटरली एंजॉय द सेशन अब क्या होता है 1945 में जब एटम गिरता है अब तक कोई इंटरनेशनल ऐसी कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं होती है जो इस तरह की चीजों को रोक सके या कंट्रोल कर सके यहीं पर आता है यू किसका रोल आता है यहाँ पे किसकी एंट्री होती है दोस्त यहां पर एंट्री होती है यूनाइटेड नेशन की यूनाइटेड नेशन क्या करता है यूनाइटेड नेशन लेकर आता है भैया आई ए को यूनाइटेड नेशन कहता है कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करे न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करे और इसके लिए यूनाइटेड नेशन लेकर आता है आई ए यही आई यह जिसका नाम है इंटरनेशनल क्या नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये लेकर आता है कौन यूनाइटेड नेशन ठीक है कब आता है ये 1957 में एज एन और ये 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 एक इसके अंदर आता है प्रोटोकॉल लाया जाता है जिसे कहते हैं है? प्रोटोकॉल है, पे क्वेश्चन आपके पेपर में टू थाउजेंड के पी में पूछ दिया है यूपीएससी ने और ये मेरी आदत है दोस्त जब भी पढ़ाता हूं यूपीएससी क्वेश्चन जरूर सामने रखता हूं जिससे आपका दिमाग खुले आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे जो मुझे प्लस पे सुनते हैं कहते हैं सर चार साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं कर रही हूं अब जाके समझ में आया कि साइंस एंड टेक में पढ़ना क्या है इसीलिए कह रहा हूं कि अभी जो मेरा सेशन चल रहा है बायोलॉजी का मिस मत कीजिए जो मैंने अभी आपको बोला ट्वेंटी थर्ड फरवरी को एन पर वही जो आपको लिंक बताया था वहां पर आपको सेशन मिल जाएगा मिस मत कीजिए ठीक है छह बजे पहुंच जाइएगा और सारे बच्चों को जोड़ लीजिएगा आपको समय रहते हो समझ में आ जाएगा मैं एक बात क्यों बोल रहा हूं ठीक है बता ये चार साल से आप साइंसटेक में लगे हुए हैं साइंसटेक में क्या पढ़ना था अब जाके समझ में आया कोई बात नहीं आपको लिटरली बता रहा हूं सिर्फ आप ये जो लेसन जो आपको मैं आईपीएल करा रहा हूं ना इसी का तीन चार लेक्चर सुन लीजिए आपका आंख खुल जाएगा आपको सारी चीजें समझ जाएंगे एक्चुअल में क्या चाहिए और आप कर क्या रहे हैं अब क्या होता है एडिशनल प्रोटोकॉल आईए के अंदर लाया जाता है ठीक है एडिशनल प्रोटोकॉल क्यों लाया जाता है आई ए के अंदर इसलिए लाया जाता है कि भाई देखो न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज करना है वो न्यूक्लियर एनर्जी इट शुड बी यूज फॉर पीसफुल पर्पजेज एनर्जी का काम कहाँ होना चाहिए शांति के लिए शांति का मतलब पीसफुल पर्पज के लिए क्यों क्योंकि देखो जो आप यूरेनियम यूज कर रहे हो जो आप प्रोटोनियम यूज कर रहे हो उसके दो यूज हो सकते हैं एक कॉन्स्ट्रक्टिव यानी निर्माणकारी कॉन्स्ट्रक्टिव निर्माणकारी मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी बनाइए और दूसरा डिस्ट्रक्टिव यानी विध्वंसकारी आप एटम बम बनाइए और जान माल को नुकसान पहुंचाइए और जान माल को नहीं नई नस्लों को भी बर्बाद कर दीजिए जो हिरोशिमा नागासाकी में आप आज भी देखते हैं इसीलिए प्रभु आई ए को हम लोग क्या कहते हैं आई ए को हम लोग न्यूक्लियर वॉच डॉग के नाम से भी जानते हैं नाभिकीय खोजी कुत्ता कहने का मतलब होता है ये पूरी दुनिया में चेक करता है कहीं कोई चोरी छुपे न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर रहा क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट को एटम टेस्ट के लिए यहां पर अलाउ नहीं करता है आई ए और आई ए जो है अगर कोई चोरी छुपे कोई काम कर रहा है उनकी गतिविधियों का पता लगाकर और यूएन के पास ले जाकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल

भारत हमेशा आई के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता रहा है ये मैं भारत की बात बता रहा हूं आई के संदर्भ में क्योंकि भारत हर किसी को पता एक है एक शांति प्रिय राष्ट्र है एवरी बडी नो और ऐसे केसेस में भारत हमेशा अपना हाथ पहले उठा देता है बिना किसी से पूछे ही बिकॉज एवरी बडी नो द नेचर ऑफ इंडिया भारत उन राष्ट्रों में आता है जो हमेशा शांति प्रिय है चलिए दोस्त तो मुझे नहीं लगता आपको अब आई और एडिशनल प्रोटोकॉल तक कुछ दिक्कत होने वाली है समझने में भारत आईए को अलाउ भी करता है क्यों अलाउ करता है भैया तुम आकर हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जहां पर नाप की भट्टियों को चेक करेंगे जिसको चलाने के लिए हम विदेशों से हेल्प ले रहे हैं ना कि हमारे जो चलने वाले अपने रिएक्टर जो हम खुद चला रहे हैं उनसे न न बाकी होगा नहीं तो इंडिया के अपने रिएक्टर की क्या वैल्यू रह जाएगी तो जो बाहर वाले उनको अलाउ करते हैं यही क्वेश्चन दो हजार में पूछा गया था और यहां काफी बच्चे कंफ्यूज उनको लगा कि आईए सब रिएक्टर को कर दिया जाएगा भारत, नहीं, 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 नहीं। भारत रखिएगा ठीक है अब देखिए कहानी आईए तक कंप्लीट हो गई बहुत बढ़िया अब हम आगे चलते हैं एनपीटी की तरफ अब हम आगे चलते हैं मित्र एनपीटी की तरफ अब क्या होगा एनपीटी का मतलब होता है नॉन प्रोलिफिशन एक एक टॉपिक है बहुत मजेदार है नॉन पॉलीफिक शेयर कर दीजिए सारे वीडियो को हम बता रहे हैं मजाक नहीं कर रहे हैं ठीक है शेयर कर दीजिए आई आर में बहुत हेल्प करने वाला है नॉन प्लीफिकेशन टिटी नॉन प्लीफिकेशन टिटी ओपन किया जाता है 1968 को साइन करने के लिए और फोर्स में आता है 1970 में और और एनपीटी को लाने के पीछे जो कंट्री होते हैं वो पांच कंट्री होते हैं एक यूनाइटेड स्टेट एक रशिया एक यूके फ्रांस और चाइना यही पांच कंट्री होते हैं जो मिलकर एनपीटी को लाते हैं एनपीटी मतलब नॉन प्रोलिविजन ट्रीटी को लाते हैं जो फोर्स में आता है नाइनटीन में एनपीटी का, का काम क्या है एनपीटी का, का काम देखो क्या है असल में क्या है जो कंट्री फर्स्ट जनवरी नाइनटीन से पहले एटम बम बना लिए देखो क्या लॉजिक है एनपीटी का वो लोग ही दुनिया में एटम बम रखेंगे और कोई कंट्री दुनिया में एटम बम नहीं रख सकता है और जनवरी यही, तो ये तो ये यही पांच कंट्री दुनिया में एटम बम रखेंगे यही पांच कंट्री ऐसे हैं जो दुनिया में एटमिक टेस्ट करेंगे बाकी दुनिया में किसी और कंट्री को को कोई भी राइट नहीं है एटम बम टेस्ट करने का या एटम बम बनाकर अपने पास रखने का हा अब तो तुम लोग बोलोगे कि सर ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा कोई क्यों का आंसर नहीं है सिर्फ यही बोल लीजिए ये लोग अपने आप को दादा समझते हैं एक लाइन में मेरा मतलब समझ लीजिए ये आपको समझने के लिए आपको मतलब इनफ होगा तो सर ये तो पूरी खुल्लम खुल्ला दादागिरी हो गई जो ऐसा समझना हो समझ लीजिए जैसा समझ लो जो समझ लो समझ लीजिए तो ये एक तरह से दादागिरी हो गई इस बारे में मैं भी मानता हूं और ये कहते हैं नाइनटीन में जब लाइव ओपन किया जाता है भैया देखो हम ही वो कंट्री हैं जो टेस्ट किए हैं तो हम ही पांच कंट्री हैं जो राइड भी रखे हैं पता है यही पांच कंट्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं और जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होता है भाई बहुत पावरफुल कंट्री होता है यहीं पर मैं आपको एक नाम और बता दूं हमेशा हमारे नरेंद्र मोदी जी पीछे कुछ ना कुछ नेताओं के बारे में बोलते रहते हैं हम भी एक बात यहां पर आपको बोलते हैं जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्हीं की देन है ठीक है जिसकी वजह से चाइना को इसमें इंक्लूड किया गया अगर ना तो जवाहरलाल नेहरू इस चीज को फोर्स किए होते चाइना आज इसका मेंबर नहीं बना होता ना आज आपके लिए समस्या होती यही चाइना है जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू जाकर बोले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर में जाकर इसको मेंबरशिप के लिए हाँ बोले अरे चाइना हो गया आज तुमको ये एनएसडी का मेंबर नहीं बनने दे रहा है आज तुमको बहुत सारी समस्या क्रिएट कर रहा है फिलहाल रात गई बात गई लेकिन इतिहास तो लिखा जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू का नाम यहां आएगा ठीक है कि उन्हीं की देन है कि चाइना जिसका मेंबर है नहीं तो चाइना आज मेंबर नहीं होता मेरे व्यक्तित्व मेरे जो पढ़ाना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ मैं ऐस अध्यापक की तरह आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मुझे यहाँ कोई कांग्रेस बीजेपी से लेना देना नहीं है क्योंकि एक अध्यापक एक न्यूट्रल तरीके से आपको जवाब दे रहा आपको जो सोच रहा आप सोचिए जो ना सोच रहा न सोचिए हमारा कार्य है सिर्फ सत्य को आप तक पहुँचाना ठीक है चलिएगा अब क्या हुआ एनपीटी में तो एनपीटी में ये था पूरा का पूरा और एनपीटी जब आया तो उसमें बोला क्या गया एनपीटी जब आया तो बोला गया भाई देखो कोई भी है अंडरग्राउंड टेस्ट नहीं करेगा क्या नहीं करेगा कोई भी अंडरग्राउंड टेस्ट नहीं करेगा जमीन के नहीं और दूसरा कोई भी प्रोलिफिरेट नहीं करेगा मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं देगा कहा अगर दे दिया तो दूसरा कंट्री उस तरह की टेक्नोलॉजी को बनाकर उसका मिसयूज कर सकता है यानी यूज तक तो ठीक है लेकिन मिस तक ठीक नहीं है और उन लोगों को लगता था इन पांचों कंट्री को जब कोई कंट्री किसी दूसरे को देगा तभी दूसरा रिसिपियन कंट्री इस तरह की चीज़ों को बना पाएगा और दूसरा इन्होंने बोला कोई अंडरग्राउंड टेस्ट नहीं करेगा यह था लॉजिक एनपीटी के साथ और फिर उन्होंने बोला अगर यह दोनों चीजें हो गई तब मिला जुला कर दुनिया में हम ही पांच के पास सिर्फ आइटम बम रह जाएगा और किसी के पास नहीं रहेगा आज इस एनपीटी में मेंबर मेंबर में बहुत सारे हैं ठीक है लेकिन शुरुआती यही पांच थे और यही बाकी और जो मेंबर हैं वो उसी रूल को फॉलो करते हैं उनमें से कोई एटम बम नहीं रखा उनमें से कोई न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करता है सिर्फ यही पांच रखते हैं यही पांच करते हैं जो एनपीटी के मेंबर हैं वो भी नहीं रख सकते हैं याद रखिएगा ये इस तरह का अनोखा

सर यह गलत है तू कैसे गलत हो गया भाई तुम भारतीय होकर ऐसा बोलते हो पाकिस्तान जाओ गलत बात ये भारत ने कर दिया कर दिया का कर दिया चाइना तुम मजे लो इंडिया चाइना का प्रॉब्लम होता कौन कौन सॉल्व करेगा उत्तर समझ में आया दोस्त हाँ सर एकदम समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं बहुत डिप्लोमेटिक टाइप से और सुनो जो हमने टेस्ट किया वो टेस्ट हमने किया श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम पे यहां इंदिरा जी को मैं बोलूंगा भाई बहुत बढ़िया काम की पिछले सत्तर साल में भारत को एटम बम मिला मिला कि नहीं मिला तो सत्तर साल में कुछ एक काम और हुआ देश में लोग कहते ना कुछ नहीं हुआ हुआ देश को पहला एटम बम मिला यहां पर जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया कहा रखा गया इना सोचेगा कि स्माइलिंग बुद्धा या लाफिंग बुद्धा है आर चीज गैलरी से जाके हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उसको देने के लिए एक नंबर के न रखो तुम लोग इसको उससे ना जोड़ो अरे भाई उन्नीस सौ चौहत्तर में आर्चीज गैलरी चल रही थी थोड़ा दिमाग लगाओ नहीं जू समय सीधा कहने का मतलब अरे भाई वो दिन जो था बहुत ही पवित्र दिन था हिंदू रिलीजन के हिसाब से उसको दिन बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा यस इसलिए उस प्रोजेक्ट का नाम भी स्पाइलिंग बुद्धा रखा गया बुद्धा से जोड़ के ठीक है समझिएगा तो सर ये बताओ एनपी टी पे साइनिंग नहीं किया इंडिया ने तो इंडिया को फिर क्या हुआ इससे क्या प्रॉब्लम इससे प्रॉब्लम ये हुआ जो इंडिया ने किया इसकी वजह से इंडिया पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन बहुत सारे प्रॉब्लम लगाए गए लेकिन वो जो लेडी थी इंदिरा गांधी उसने सारे प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया चैलेंज लिया और उस प्रॉब्लम से इंडिया को निकाला यही दिक्कत हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में जिनको मैं अपना हीरा और मोती मानता हूं यानी मेरे वो समझ ही गए हैं मतलब मैं उनको अपना आदर्श या जो भी मानिए

हेल्प नहीं दे रहा है सब अब भारत को हुई समस्या ठीक है और क्या हुआ भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोक दिया गया अभी तो देखो तुम लोग बोले हो को कोई भी, कोई भी तकनीकी नहीं लेगा हम वो हैं जो किसी से लिए हुए नहीं है साफ साफ सुन लो हमारे राष्ट्र में भी भाभा जैसे वैज्ञानिक हुए हैं हमने इस टेक्नोलॉजी को खुद ही डेवलप किया है पहली बात और दूसरा तुम लोग कह रहे हो कि कोई भी न्यू, अंडरग्राउंड न्यूक्लिया टेस्ट नहीं करेगा सॉरी कोई भी जमीन पे टेस्ट नहीं करेगा सॉरी अंडरग्राउंड उन्होंने बोला था सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा पीछे बोला गया कि कोई भी जमीन पे टेस्ट नहीं करेगा नो वडी विल डू द न्यूक्लियर टेस्ट ऑनलाइन और हमने जो टेस्ट किया वो कहाँ किया जमीन के भीतर जाकर अंडरग्राउंड किया इस तरह की डिप्लोमेटिक आंसर्स दे दे भारत ने अपने आप को बचाने की कोशिश की ठीक है अच्छा अब क्या हुआ अब कहानी में मोड़ ये आता है ये सब कंट्री ये सोच रहे हैं भाई देखो भारत बिना एनपीटी के मेंबर हुए जाके पोखरन टेस्ट कर लिया अब भारत को इस तरह का डर नहीं हुआ अब भारत क्यों किया मजबूरी चाइना जैसा जो हम तुम लोग को पहले कहानी समझ चुके अब ये सब सोचे ऐसा करो एक नया ग्रुप बनाते हैं कौन सा ग्रुप न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यही आया एनएस और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो होगा यह इस तरह की एक्टिविटी को भी रोकेगा जो भारत ने किया क्यों क्योंकि जो भारत ने किया अगर ये चीजें हम नहीं रोकेंगे तो दुनिया के अन्य

लाते हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को वो अलग है आज 48 मेंबर हैं कितने मेंबर हैं जब भी आप एग्जाम देने जाइए एक बार मेंबर उम्बर के नंबर चेक कर लीजिए ठीक है प्लस माइनस हमेशा तैयार रहिए ठीक है, है और ध्यान रखिए यूपीएससी में 48 से 46 से 42 से बयालीस दशमलव चार या पौने पौने बयालीस सब नहीं पूछा जाता है आप ऐसे कितने लोग तो इसी में मरे जा रहे हैं कि चौहत्तर है कि चौहत्तर तीन है कि चौहत्तर दो तीन सात आठ नौ पांच है ना इसी में आप बवाल कर रहे हैं ठीक है ये सब नहीं आता है प्रभु जब तक पेपर नहीं देखिएगा आप फालतू चीजें पढ़ रही है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ठीक है नाइन्टी जनता यूपीएससी में सेलेक्ट इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो सिर्फ पढ़ती है तो, से तो अच्छी बात है पढ़ती अरे भैया ढंग से नहीं पढ़ती है ना आपको बार बार बताया है कि प्रिलिम्स में आपका सिलेबस नहीं दिया है चाहे कोई भी विषय लिए जाए हिस्ट्री जो सबका सिर्फ सब्जेक्ट का नाम दिया है अंदर सिलेबसें नहीं दिया और यही यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी समस्या है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ईमानदार हैं बहुत ईमानदार हैं ना तो अध्यापक आपको त, आपको पेपर दिखाते हैं न, 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 न समझाते हैं और न तो आप देखते हैं ठीक है दिक्कत यही है लेकिन कोई बात नहीं बहुत सारे लोग हैं जो दिखा भी रहे हैं तो आप उनको देखिए और समझिए ठीक है चलिए हम वहाँ पर दूसरे का हम क्यों अपना दिमाग खराब करें इधर आइए एन समझ में आ गया दोस्त ठीक है अब देखिए एन जब आया तो ये सब एकदम दिमाग देखिए कितना सब दिमाग लगाए क्या लगाए ये ये सब दिमाग लगाए कि जिन जिन कंट्री के पास यूरेनियम है सबको इनका मेंबर बना लो जिन जिन कंट्री को टेक्नोलॉजी वैक्नोलॉजी पता है उनको भी इसका मेंबर बना लो जिन जिन कंट्री से किसी दूसरे कंट्री को हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी उनको भी मेंबर बना लो यानी एनएसजी में पूरा गुड़ा भाग बढ़िया से लगाया गया पूरा मैथमेटिक्स पूरा फिजिक्स पूरा केमिस्ट्री सब कुछ लगाया गया ऐसे कह लो देसी भाषा में और पूरा दिमाग लगाने के बाद एनएसजी बनाया गया ठीक है अब एनएस में आ जाके अड़तालीस मेंबर हो गए अब मान लो इंडिया को इंडिया क्या है पता है? इंडिया इसका मेंबर बनना चाहता है 1990 से ही 1990 नाइन्टी से ही अटल जी की जब सरकार हो उसी समय से न्यूज आ जाता है भारत इसका मेंबर बनना चाहता है लेकिन होता क्या है भारत को इसका मेंबर बनने ही नहीं दिया गया आज तक नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ उसके पीछे कई लॉजिक है दोस्त एनएसजी का मेंबर अगर भारत को क्यों नहीं बनने दिया गया उसके पीछे लॉजिक यह है कि एनएस का मेंबर पहले तो बताता हूं एनएसजी का भारत बनना क्यों चाहता है इसलिए दोस्त अगर इंडिया एनर्जी का मेंबर बन जाता है तो आसानी से इंडिया को से चाहिए तो मिल जाएगा। कोई दूसरी कंट्री की मदद से डेवलप करने में कोई टेक्नोलॉजी आ सकेगी जिससे इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से हम लोग पावर जनरेशन और कर लेंगे आज हम लोग नाबकीय ऊर्जा से न्यूक्लियर एनर्जी से लगभग तीन से चार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो बहुत कम है कोयला से सेवेंटी परसेंट यह भी उतना लेकिन क्षमता बहुत है भाई पोटेंशियल बहुत है इसकी पावर जनरेशन करने की लेकिन अब इसके लिए आपको तक टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी ना दूसरे कंट्री से आपके पास इतनी अच्छी है नहीं अभी और बना रहे हैं आप समय के साथ और बनाएंगे और दूसरे तो यूरेनियम भी आपके पास कहाँ है और थोरियम अगर भारत के पास एक और फ्यूल होता है रेडियक्टिव फ्यूल जो थोरियम है वो भारत के पास थोरियम ज्यादा है लेकिन थोरियम पे से चलने वाली जो टेक्नोलॉजी अभी वो भारत के पास ज्यादा विकसित नहीं हो पाई है कल को जब हो जाएगी तो देखेंगे लेकिन अभी हमको चाहिए एन की मदद भाई साफ साफ क्योंकि अगर भारत में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ कैसे होगा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा इंडिया रोजे तो हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ा जा रहा है रोजे तो बिल्डिंग ढहा जा रहा है रोजे तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोजे तो देश में ये विकास हो रहा है अरे भैया हर चीज को चलने के लिए चाहिए पावर और पावर का सोर्स होता है कोयला कोयला से होता है प्रदूषण तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव लाओ ना जिससे प्रदूषण भी ना हो लाओ ना यूरेनियम को यूरेनियम से धुआं नहीं निकलता है काफी हद तक ठीक है चलिए और उस सब बारे में हम आपको पूरा प्लस में बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे की एक चीज को बुक में भी सब चीज बहुत बढ़िया से लिखेगी चीज को ठीक है पढ़िएगा जरूर हम बता रहे हैं छोड़िएगा नहीं मेरी क्लास को ठीक है यहाँ तो क्रैश कोर्स में हम शॉर्ट में सारी चीज़ें जल्दी जल्दी आपको समझा दे रहे हैं ठीक है अब सुनिए समझ आ गया भारत एनर्जी कंबर क्यों बनना चाहता है इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा है ना बी जी डी पी बढ़ेगा सबको समझ आएगा ठीक है अब भारत को इसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा है ठीक है और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है भाई प्रेशर है प्रेशर यह है कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन प्रदूषण ना कीजिए लेकिन कोयला वाला ऐसा है कि आप कुछ भी क्या कर लीजिए प्रदूषण करबे करेगा ये पूरी कहानी है अब सर ये तो हो गया भारत क्यों चाहता है सर ये बताओ सर समस्या क्यों आ रही है अब आप लोग पूछोगे ना सर दूसरा एंगल बताओ सर समस्या क्यों आ रही है देखो समस्या आने के पीछे कई कारण है पहला कारण यह है कि चाइना ही है जो सबसे बड़ा कारण है कई ऐसे कंट्री हैं जो इसके फेवर में नहीं है आज तक इसके फेवर में नहीं है कि भारत नजीका में पर बच जाए ठीक है क्योंकि एन के मेंबर बनने के लिए ये चीज़ जरूरी है यूनोनीमसली कॉल कंट्री शुड बी इन द फेवर ऑफ यू सारे के सारे कंट्री जो यू एन के हैं वो सब भारत के फेवर में आने चाहिए लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कंट्री हैं ऑस्ट्रिया है, है न्यूजीलैंड है चाइना है इवन तुम्हारा ये साउथ अफ्रीका ऐसे और कई कंट्री हैं जो तुम्हारे फेवर में है ही नहीं हम लोग के फेवर में है ही नहीं तो भैया कैसे हो जाए

अब तुम लोग बिल्कुल दिमाग में आ रहा होगा सर बिल्कुल ना करें क्योंकि अगर इंडिया एनपीटी पे साइन करेगा तो पहले इंडिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना होगा इंडिया के पास कुल छः आइटम बम है करीब करीब माना जा रहा है हाइड्रोजन बम आइटम बम मिला के उस सब बंद कर दे तो ये बताओ इंडिया के पास आइटम बमें ना बचे पाकिस्तान जो एन पी टी पर साइने ना करे चाइना को मुक्त है कोई टेंशन ही नहीं है तुम ऐटम बम भी रखो कोई दिक्कत नहीं है तो ये बताओ इंडिया को अगर कल को दिक्कत हो गई इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना हो गया तो इंडिया की रक्षा कौन करेगा मुझे इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इंडिया की रक्षा कौन करेगा अब तुम लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा नहीं सर नहीं सर हम एनपीटी पे साइन नहीं करेंगे एकदम ठीक है सर बिल्कुल नहीं करेंगे और दूसरी चीज आपको बता दूं एक आध कंट्री ऐसे सर फ्रांस है या क्या है कई ऐसे है, कंट्री हैं जो जब एनपीटी का जो जब जब एनएससी का मेंबर बने थे उसमें एनपीटी का मेंबर थे ही नहीं तो भारत उनका उदाहरण भी देता है भाई एक आध कंट्री ऐसे भी रहे हैं जो बिना एनपीटी के एनएससी के मेंबर हुए हैं वो अलग बात है कि बाद में जाकर सब एनपीटी टी भी साइन किए हैं तो आप हमको सिफारिश और फोर्स कैसे कर सकते हैं और ये कहीं एन में ऐसा पर्सनली लिखा थोड़ी ना ऑफिशियली कि एनपीटी टी पे साइन करने के बाद एन के मेंबर बनेंगे ये आपको भारत का पॉइंट है बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही अब यहीं पर हम बताएं तो भारत को क्यों मेंबर बनना चाहिए देखो ऐसा है भारत पीछे एको, एक 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 टेस्ट उस्ट किया है बिल्कुल नहीं किया मैं अभी तुमको बोल है, है तब से लेकर आज हम 2022 में तुमको ये पढ़ा रहे हैं करेंट अफेयर्स के लिए ठीक है जो भी पूरा टॉपिक है है ना जो आपको इंपॉर्टेंट न्यूज रहता है तो ये बताओ आज तक किया भारत नहीं किया करीब करीब चौबीस साल हो गए तो इसका मतलब भारत पीसफुल कंट्री है ना समझ में आ रही बात की नहीं तो वही सब बात है यहाँ पर एन को लेकर लेकिन आप सब जानते हैं एन बहुत जरूरी है इंडिया की इकोनॉमी के लिए इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा अब कहानी आगे बढ़ती है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1985 की बात होती है नाइनटीन में इस्टेब्लिश किया जाता है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम इसको बोला जाता है और सबसे बड़ी चीज़ यह है ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअल में एक मीटिंग हो रहा होता है और उस ऑस्ट्रेलिया में जो मीटिंग हो रहा होता है उस मीटिंग में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स से लेकर रिलेटेड डिस्कशन हो रहा होता है और वहीं उस मीटिंग में काफ़ी फॉरन डेलीगेट्स दुनिया के काफ़ी कंट्री के मेंबर होते हैं जो डिस्कशन करते हैं वहीं जाकर डिस्कशन में जा कंक्लूजन निकलता है कि हम लोग दुनिया में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को रोकने की कोशिश करेंगे और वहीं जाकर एक ग्रुप बन जाता है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप रखा जाता है उसी जगह पर और ये पूरी दुनिया में एक अगेंस्ट बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स काम करता है भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर बन चुका है हम आपको बता देते हैं

उसमें कनाडा है फ्रांस है जर्मनी है इटली है जापान है यूके है और ये yes, यूएसए है पूरी तरह से इनफॉर्मल और वॉल्टी पार्टनरशिप है थर्टी फाइव कंट्रीज टू प्रिवेंट प्रॉलीफेरेशन ऑफ मिसाइल्स। मतलब 35 कंट्री है उसके मेंबर आज इसके और मेंबर हो सकते हैं प्लस माइनस हमेशा ध्यान रखिएगा ठीक है और ये पूरी तरह से कोशिश करता है कि कोई भी उल्टी सीधी मिसाइल्स को प्रिवेंट किया जाए प्रोलीफरेट ना किया जाए एक जगह से दूसरे का गलत तरीके से ना जाए अनमैंड एरियल व्हीकिल व्हीकिल को भी एक जगह से दूसरे का ना लिया जाए दिया जाए जिसमें एक तरह का कॉन्सेप्ट कहते हैं ड्रोन टाइप की चीजें और यहां पर जो भी वारहेड की कैपेसिटी है वो 500 किलोग्राम से ज्यादा ना कोई बनावे ना कोई मतलब कोई एक दूसरे को हेल्प ना करे इस तरह के किलोग्राम वारहेड के लिए और दूरी भी तीन किलोमीटर से ज्यादा का ना हो अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट को समझ में आ ही नहीं रहा होगा कि सर आप जो चीज़ें बोल रहे हैं जो है टेक्निकली लिखा है उसका मतलब क्या है हम तुम लोग को समझाते हैं दोस्त कभी नहीं भूलोगे इधर आओ अब मान लो भारत का कंडीशन देखते हैं समझ रहे हैं एकदम इधर हमने लिखा एम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम पहले हमने लिखा इंडिया मेंबर नहीं है इंडिया इज नॉट अ मेंबर नॉट मेंबर तब का कंडीशन क्या है और दूसरी तरफ हमने लिखा इंडिया मेंबर है अब का कंडीशन क्या है जब इंडिया मेंबर नहीं है इंडिया मेंबर 2016 में बन जाता है तो 2016 से ये कंडीशन हो गया और 2016 के पहले का ये कंडीशन नहीं मेंबर है तो ये है कि भारत अगर किसी कंट्री से अनमेंड एयरियल व्हीकल चाहता है तो वो कंट्री उसको नहीं देगा क्योंकि कंट्री एम टी सी आर का पहली चीज दूसरा अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री की हेल्प से कोई मिसाइल बनाना चाहता है तो उस मिसाइल के अंदर जो वारहेड यानी गोला बारूद ले जाने की क्षमता है 500 किलोग्राम से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और वो मिसाइल की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए देखिए रेस्ट्रिक्शन देखिए ये सारी की सारी शर्तें हैं अगर कोई कंट्री एम का मेंबर नहीं है और उसकी कोई हेल्प कर रहा है तो ये भी नहीं दे सकता है अगर हेल्प कर रहा है मिसाइल बनाने की तो वो उतनी ही लेवल तक हेल्प करेगा कि वो कंट्री पाँच किलोग्राम से ज़्यादा वारहेड वाला मिसाइल ना बना पाए वो उतनी ही हेल्प करेगा कि वो कंट्री तीन किलोमीटर से ज़्यादा दूरी वाला भी मिसाइल ना बना पाए अब तुम लोग पूछोगे सर पाँच किलोग्राम और तीन किलोमीटर की क्यों पैरामीटर्स फिक्स कर दिया इसलिए कर दिया मान लो ये भारत है मान लो ये भारत है भारत की बाउंड्री से भारत के बाउंड्री से आपको बताऊं लगभग 300 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए ये है 300 किलोमीटर की दूरी का मतलब होता है ये है कि कोई आपकी सीमा रेखा के अंदर आ रहा है तब आप उसको यूज कर सकते हैं अच्छा तो सर आप यह कह रहे हैं कि डिफेंसिव के लिए बहुत सही अब आप पकड़ लिए हैं डिफेंसिव के के था यानी आत्मरक्षा लिए आप प्रयोग कर सकते हैं तो आत्मरक्षा के लिए 300 किलोमीटर तक तय कर लिया गया एक मानक बना लिया गया और पांच किलोग्राम तक मान लिया कि नॉर्मल गोला बारूद तक चल जाएगा पांच के ऊपर जनरली ऐसा माना जाता है कि उसके साथ एटम बम वगैरह भी हो सकता है तो मतलब नॉर्मल गोला बारूद कन्वेल वॉरहेड के साथ तीन किलोमीटर की दूरी हमारी अपनी कंट्री को किसी एनिमी कंट्री से बचाने के लिए यूज के लिए अलाउ किया गया लेकिन हाँ अब अभी ध्यान अभी आपको समझ आ गया भारत क्या करता था पहले वियत मतलब वियतनाम एक ऐसी कंट्री थी जो वियतनाम हमेशा भारत से ब्रह्मोस मांग रहा था भारत नहीं दे सकता था जो कि भारत उस समय एम का मेंबर नहीं था आपको पता है रसिया ने भारत की एक हेल्प की थी ब्रह्मोस वन में आप लोग को शायद काफी बच्चों को पता होगा ब्रह्मोस वन ब्रह्मोस वन पे जल्दी ही मैंने आप लोगों को एक यूट्यूब सेशन बनाया है एक्सटेंशन ऑफ ब्रह्मोस करके ठीक है जो आई एस विशाखापत्तनम से मैंने डिस्कशन किया है लेसन नंबर फिफ्टी ऑफ फोर्टी मैंने अभी जो बनाया है करंट अफेयर्स वो आपको पढ़ना चाहिए जो ब्रह्मोस है आपको बताऊं ब्रह्मोस जो है ब्रह्मोस वन में रशिया ने भारत की मदद की लेकिन रशिया ने जो भारत की मदद की है उसका एक लिमिट लगा रखा है क्या लिमिट लगा रखा है इसी लिमिट को लेकर ब्रह्मोस बनाया है इसलिए क्योंकि भारत उस समय क्या था एम का मेंबर नहीं था लेकिन अब भारत जो है एम का मेंबर 2016 में बन गया तो अब जो ब्रह्मोस टू की बात हो रही है उस उसमें सुनने में आ रहा है पाँच किलो से ज़्यादा होगा तीन किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी वाला होगा सुनने में आ रहा हो सकता है भारत वियतनाम को ये चीज़ दे दे है ना ब्रह्मोस बेच दे और हो सकता है कि भविष्य में अमेरिका भी ये चीज़ दे दे अब मेरे ख्याल से अब एम उसका फायदा नुकसान अच्छे तरीके से समझ गए समझ गए होंगे भाई अब देखिए अब आप में से धीरे से लोग मुस्कुरा रहे होंगे सर आप जो टेक्निकल चीज़ बता रहे थे उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा था लेकिन जैसे ही आप इन चीज़ों को कहानी की तरह समझा दिए ये कप ऑफ़ टी बन गई कप ऑफ़ टी एक मुहावरा होता है यानी आसान बन गई ठीक है अब लिए हम आपको चलते हैं वासेनार अरेंजमेंट की तरफ अरेंजमेंट जो है 1996 में आता है इसका पूरा कोशिश होता है कि जो कन्वेशनल डूएल यूज गुड है और जो टेक्नोलॉजी है उसकी गलत यूज को मिलिट्री पर्पज के लिए अगर कोई करने वाला है तो उसको रोका जाए यहां पर कीवर्ड है डुअल यूज गुड डुअल यूज गुड वो चीज जिसका एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकता है चलिए हम आपको लिए चलते हैं इधर आइए हम आपको कहानी सुनाते हैं क्रायोजेनिक इंजन की आइए क्रायोजेनिक इंजन की और क्रायोजेनिक इंजन को मैं डुअल यूज गुड मान रहा हूं क्या मान रहा हूं ये द्वैत्तर डुअल यूज गुड मान रहा हूँ डोएल यूज गुड का मतलब ऐसा सामान एक ऐसी वस्तु जिसका एक से ज़्यादा यानी दो यूज भी हो सकता है आप उसको किसी एक पर्पस के लिए मांग रहे हैं और उसको यूज आप किसी दूसरे पर्पस के लिए कर रहे हैं तो मिस यूज़े तो हुआ दोस्त वही बात हम कह रहे हैं असल में क्या हुआ उन्नीस के पहले बिफोर नाइनटीन हम टर्म लिख देते हैं बिफोर नाइन्टी भारत पहुँचा अमेरिका के पास अमेरिका सुनो हमको क्रायोजेनिक इंजन दे दो अमेरिका का हम नहीं देंगे 1996 नाइनटी सिक्स में अमेरिका पहुंचा रशिया के पास रशिया कहा चलो हम तुमको दे देंगे लेकिन तो रशिया रशिया ने कहा तुमको हम दे देंगे तो रशिया ने क्या दिया रशिया ने रेडीमेड इंजन दिया हम यही तुम लोग को बता देते हैं रशिया ने रेडीमेड इंजन दिया हम क्यों रेडीमेड इंजन लिख रहे हैं जब हम बात करेंगे तो तुम्हारा तुमको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह की चुटकी ले रहे हैं यहाँ पे ठीक है रेडीमेड इंजन इंजन यहाँ समझ में आया रेडीमेड इंजन रशिया ने दे दिया भारत को जब भारत ने दे दिया तो अब अमेरिका बोला ये बताओ इंडिया तो वसीना रेजिमेंट का मेंबर ही नहीं है तुम कहाँ क्रायोजेनिक इंजन दे दिए तो रसिया बोला कि देखो ऐसा है कि इंडिया जो है क्रायोजेनिक इंजन का यूज अपने जीएसएलवी में करेगा जीएसएलवी एक लॉन्च व्हीकल होता है जिससे हैवी हैवी सैटेलाइट को भेजा जाता है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो यानी लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट भेजा जाएगा तो प्रभु इसका काम तो कॉन्स्ट्रक्टिव है ना तुम ये मत सोचो कि इंडिया इसका डिस्ट्रक्टिव यूज करेगा क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन को मिसाइल में भी लगाया जा सकता है मिसाइल मतलब प्रछे पात्र और मिसाइल से वॉरहेड यानी गोला बारूद भेजा जा सकता है अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि क्रायोजेनिक इंजन एक तरह से डुअल यूज गुड है एक ऐसी चीज जिसका एक से ज्यादा उपयोग हो सकता है ठीक है अब मान लीजिए अब भारत रशिया से रहा हम जीएसएल में लेंगे यूज करेंगे और भारत अब उसको मिसाइल में लगा के गोला बारूद बनावे भेजे तक अब एकदम सबको समझ में आ गया सर बहुत होशियारी जब समझा दिए हैं कि इसीलिए जो है अमेरिका ने रशिया को लताड़ा था पूछा था कि तुम क्या कर रहे हो लताड़ा नहीं था पूछा तुम क्या कर रहे हो सब ठीक नहीं है नियम कानून के खिलाफ है तो रशिया ने बोला देखो हम नियम कानून फॉलो किए हैं हम जो इंडिया को क्राइजनिक इंजन दे रहे हैं वो रेडीमेड इंजन दिए हैं हम भारत को टेक्नोलॉजी नहीं दिए कि भारत अपना बना के मिसाइल में लगाए तो हम पूरा अपने सुपरविजन में अपने अपने वॉच के अंदर हम उसको दे रहे हैं तभी जीएसएल जो भारत ने पहला अपना सक्सेसफुल बनाया दो में जिसकी मदद से हम लोगों ने जी सेट एट जी सेट वन सेटेलाइट को भेजा जी सेट वन सेटेलाइट को भेजा वा, वा, उस उस केस में हम लोगों ने पूरी तरह से रशिया की हेल्प थी, याद रखिएगा वो अलग बात है कि जनवरी 2014 में हम लोगों ने अपना अपना खुद ये क्या नाम है क्रायोजेनिक इंजन बनाकर और उसको लगा दिया है ठीक है लेकिन ये सब छोड़ो क्रायोजनिक इंजन वो सब आपको स्पेस में बात करेंगे पहले बताओ तुम लोग को लॉजिक समझ में आया डूबल यूज गुड वाला या नहीं एकदम समझ में आ गया होगा प्रभु कि इसका यूज कहाँ हो सकता है इस तरह की चीजों को चोरी छुपे लोग लेकर और मिस कर सकते हैं मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था वासना अरेंजमेंट अब हम आपको लिए चलते हैं सी टी के बारे में सिटीबीटी क्या है सिटीबीटी का मतलब है कॉम्प्रीहेंसिव देखेगा इसका नाम है कॉम्प्रीहेंसिव कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैंट्रिटी क्या नाम है कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैंटिटी क्या नाम है कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट क्या होता है कंपनी देखो ऐसा है जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो इंडिया ने क्या बोला था इंडिया ने बोला देखो हमने ना अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है तो अब यहीं पर बात होती है यूएन जनरल असेंबली में 10 सितंबर 1996 को यह बात होती है कि सी को लाया जाए शुरुआत में तो कई कंट्री होते हैं उसको साइन करते हैं लेकिन बाद में जाकर वो अपने कंट्री में उसको बहुमत से पास नहीं करा पाते हैं इसलिए ये आ ही नहीं पाता है असल में सी को लाना था आठ स्पेसिफिक कंट्री के लिए ये कंट्री पहले उसको अपनावें तो शुरुआत में तो ये सब बोले हां हां बाद में ये सब कंट्री उसको अपनईबे नहीं किए जैसे चाइना है इजिप्ट है ईरान है इंडिया है इसराइल है, है नॉर्थ कोरिया है यूएस है पाकिस्तान है भारत है कि नहीं है ये सब अपनैबे नहीं किया तो जब जो चीज को अपनाना था जिनको अपनाना था वही नहीं अपनाए हैं तो बाकी दुनिया के लोगों को अपना के क्या होगा ठीक है इसी कभी फोर्स में आया ही नहीं अब आप हम ये पूछेंगे सर, में था क्या था जो अपनाया नहीं सब ऐसा है इसमें बोला गया कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैंटी कंप्रिहेंसिव का मतलब होता है नॉट एनीयर फिर से सुनिएगा

इसी पर अब यहां है अब यहाँ आई आर वाले लड़ लें यह हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी वाले लड़ लें हमारा टॉपिक है प्रभु किसी का टॉपिक हो कोई लड़े फायदा आपका होना चाहिए आपका क्वेश्चन पेपर बनना चाहिए हमने इसको आप लोगों को समझा दिया है उम्मीद करता हूँ आपको इसमें एक एक चीज़ बारीकी के साथ समझ में आ गया होगा कितना चाहिए कितना चाहिए आपको क्रैश uh, कोर्स में उतना मैंने आपको दे दिया है बाकी और डिटेल और डिटेल और डिटेल आप मेरे साथ प्लस की क्लास कर रहे हैं मेरे साथ फेस टू फेस क्लास है और बाकी बुक जो मैंने आपको बोला है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है ठीक है ध्यान रखिए और एक चीज़ और देखो इस पूरे के पूरे चैप्टर मैंने किया क्या है बहुत ही ऑर्डर से दिया नाइनटीन फोर्टी फाइव नाइनटीन फिफ्टी सेवन नाइनटीन सेवेंटी समझिएगा अब पकड़िएगा दोस्त सौ ऐसे हवा हवा हम बात नहीं करते हम है ना 1974, 1975, 1985, अरे सर एकदम सही जा रहे हैं आप फिर देखिए एम डी सी आई एम टी सी आर कब आया नाइनटीन एटी सेवन वासीटीन नाइनटी सिक्स सी टी बी टी कब लाते हैं नाइनटीन नाइनटी सिक्स ये जुलाई ये सितंबर अलग बातें आती नहीं है यानी मैंने आपको एक कालक्रम में दिया है और यही कालक्रम जो है वो मेरी फिफ्थ एडिशन की बुक से मैंने उठाया और आपको सारा अपडेट यहाँ दे दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाई रवि अग्रहरी मैग्राहिल वही बुक आप पढ़िए इसके अलावा ना इधर झांकिए ना उधर झांकिए और इन्वायरमेंट की सेकेंड एडिशन की बुक आ गई है ठीक है मैग्राहिल पर ले लीजिए चुपचाप जाके ठीक है अमेजोन से यहां से आपके 2021 के कम से कम 14 क्वेश्चन इसी किताब से हैं और कुछ पढ़ी हो नहीं आपको बता रहे हैं प्लस पे मेरी क्लास आप सुन ही रहे हैं बाकी दिमाग मत खराब कीजिए कम पढ़िए काम का पढ़िए कलेक्टर बनिए ज़्यादा पढ़िए फालतू पढ़िए मास्टर बनिए या जाके कहीं कोचिंग में पढ़ाइए हम आपको साफ साफ बताते हैं ये मेरी फिलोसफी है कम पढ़िए काम का पढ़िए निकलिए यहाँ से अगले साल पार्टी दीजिए मिठाई खिलाइए हम भी आवे रैंक आवे तो हम भी आपके साथ डांस करें अब भी हमारे साथ डांस करें ठीक है और हम तभी आएंगे जब आपका निकलेगा नहीं तो हम फालतू आएंगे आपके माँ बाप भी बोलेंगे सर यही हो रहा रही ग्रेडिये सिलेक्शन नहीं हुआ है फालतू हम चूपे जे दी कराने आए तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आप लोग अगले साल रिजल्ट दे रहे हैं हम सब भांगड़ा कर रहे हैं जिस जिस रीजनल लैंग्वेज में आप जो जो डांस करते हैं हमको सिखाइएगा हम भी करेंगे आप भी करें आपके माँ बाप भी करेंगे चलिएगा अब आपको और आगे लिए चलते हैं देखिए दोस्त अंत में चलते चलते आपको बता दें टेलीग्राम पर ग्रुप पर जाकर ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप यहाँ से ले लीजिए टाइम बर्बाद मत कीजिए यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है और यहीं पर जुड़ जाइए जितनी भी जनता इस वीडियो को देख रही जुड़ जाइए भविष्य में भी ये आपको बहुत उपयोगी चीज है और मैं बहुत मैं आपको साफ साफ बता देता हूं ठीक है आप हमसे जो डिमांड कहिएगा हम वो आपको देंगे क्योंकि हम आप हम आपसे ही हैं ठीक है अन अकेडमी का प्रोफाइल आ जाइए चुपचाप यहां आ जाइए और इसी पर हम कह रहे हैं आ जाइए है। तेईस तारीख को जो बायोलॉजी का चल रहा है तेईस फरवरी को भूलिएगा नहीं छह बजे शाम को और दूसरा नौ बजे शाम को डायसी सिस्टम पूरा करा रहा हूं आ जाइए दस बीस हजार जितने भी लोग हैं और जितने भी हैं सबको शेयर कर दीजिए बैंकिंग वालों को एसएससी वालों को पीओ वालों को कलाची वालों को एसआई SI वालों को है ना दिल्ली पुलिस वालों मतलब जितने हैं ऐसे एस यू पी पी वालों को एम पी पी को राजस्थान पी हर किसी को शेयर कर दीजिए बायोलॉजी बायोलोजीलॉजी से यह बहुत मज़ेदार टॉपिक चल रहा है दे, डेढ़ डेढ़ घंटे का दो सेशन है यहाँ एक सब फिर अगला सेशन हम तेईस को ही बता देते हैं अगला कब है ठीक है भूलिएगा नहीं आज ये चुपचाप इसको खत्म कीजिए बहुत बढ़िया से और लिटली बता रहा हूँ इसके बाद आपको जैसे आपको ये टॉपिक पढ़ने मज़ा आया ना

ऑडियो सेशन भी करते हैं हम बता दे रहे हैं ठीक है चलिएगा तो रवि यू पी एस सी एक कोड है इसको यूज़ कीजिए और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है आपको फिर मैं बता देता हूँ अन अकेडमी पर यहाँ पे आपको लाइव मेंटरशिप मिल जाती है अच्छा खासा आप टीचर से जुड़कर अपनी हेल्प ले सकते हैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस प्लानिंग में ओपन हाउस सेशन में टीचर के साथ भी आपकी बातचीत होती है अन अकेडमी पर अगर आप जनरल स्टडीज या फिर आप ऑप्शनल कोर्स देना चाहते हैं रवि यू पी एस सी के कोड को यूज़ कीजिए एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाता है इवन आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बता दू अनैडमी पर जैसा भी कोविड में काफी फाइनेंशियल क्रंच रहा है जीरो परसेंट इंटरेस्ट रेट पर आप सबको कोर्सेज दिए जा रहे हैं ठीक है घबराइए नहीं अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच है इसका भी फायदा लीजिए आपको अच्छा खासा बेनिफिट अनडमी समझ रहा है आपकी चीजों को आपको प्रॉफिट दे रहा है इस तरह की चीजों का और सबसे बड़ी चीज एक नई चीज जो चीजेडमी पर आई है जिस तरह से आपके कोई ना कोई मेंटरशिप प्रोग्राम्स आपको दिए जा रहे हैं इसको आप ज्वाइन कर लीजिए कर कर अप, प्रेफर कर करके आपसे बात कराया जाता है स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज कमाल की चीज है हर विषय में पांच सब्जेक्ट को लेकर हम लोग पांच दिन आते हैं दस बजे पंद्रह मिनट पंद्रह प्रश्न को लेकर पूरी तरह से दो के पेपर के हिसाब से यहां पेपर बनाया जा रहा है एमसीक्यूज पूरे बस को कवर किया जा रहा है कंसेप्ट और फैक्ट का एक बैलेंस करके आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है फ्री मेगा टेस्ट सीरीज यूपीएससी सीएससी का यहां पर लॉन्च है पंद्रह क्वेश्चन पंद्रह मिनट में हिंदी इंग्लिश दोनों में हिंदू और सी साइड के साथ आपके डिस्कशन हो रहे हैं बाकी साइंस टेक और प्लस इन्वायरमेंट की क्लास यहाँ इन्वायरमेंट की क्लास भी है दोनों के दोनों टॉपिक शुरू हो चुके हैं साइंस टेक का एक बैच जो है वो खत्म हो चुका है अगला बैच इन्वायरमेंट का स्टार्ट हो रहा है मार्च से भूलिएगा नहीं और यहाँ पर तीस से पैंतीस क्वेश्चन आते हैं ये देखिए ट्वेंटी दिसंबर वाला साइंस टेक का बैच खत्म हो गया मार्च में तकरीबन दस मार्च के आसपास से नया बैच शुरू हो रहा है इन्वायरमेंट का पूरे करेंट बेसिक बेसिक के साथ अप्लाइड और अप्लाई के साथ करंट अफेयर्स को जोड़कर पूरा का पूरा करा रहा हूं और पिछले साल तो को पता ही है 2021 में 24 क्वेश्चन थे करीब सौ में से उसमें से आराम से मेरे बच्चों ने 14 क्वेश्चन बनाए हैं जो कि सीधा जो इन्वायरमेंट की किताब आती है मेरी है ना सेकेंड एडिशन की बुक अभी तुरंत ही पब्लिश होकर आई है थोड़ा मैंने और उसमें चेंजेस किया अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन मैग्रा हिल में जो सेकेंड एडिशन है इसको पढ़ लीजिए आपका पूरा काम हो जाए कुछ और इधर जाने की जरूरत ही नहीं है बाकी आप बुक्स देखते ही होंगे है ना उस पर कितना क्वेश्चन आया क्या नहीं आया आपको समझ में आ ही जाएगा धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी यूपीएससी पी एस सी को जो बैचेस है बाईस और तेईस दोनों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं ट्वेंटी जी एस बुस भी आपको दी जा रही है नाइनटीन फरवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से ये आपके बैचेस है बाय में बाईस और तेईस दोनों के लिए इसे मिस ना करें काइंडली ज्वाइनस और हाँ अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है आपको कोई काउंसलर चाहिए किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है या सब्सक्रिप्शन लेने में कोई प्रॉब्लम है या लेटेस्ट ऑफर जानना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सेवन एट टू फाइव एट सिक्स जीरो टू फाइव नाइन और ये मेरा कोड है जब भी आप कॉल करें तो इस कोड को यूज़ करना ना भूलें अंत में चलते रहे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइक और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को और पी डी एफ को आप टेलीग्राम ग्रुप से जाकर ले लें तो अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी आई पी एल के लेसन नंबर फोर पर और अब हम चलेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी पर अभी तक हमने जमीन पर बहुत बातें कर ली अब हम आसमान में चलते हैं इन वीडियोज को शेयर करना ना भूलें अपने ग्रुप के सदस्यों को और हाँ बायोलॉजी का सेशन जो मैंने आपको बोला उसमें जरूर रहिएगा ट्वेंटी थर्ड फरवरी को लिंक यहाँ पर दिया जा रहा है आप पी डी एफ ले लीजिए उसमें लिंक है और सारे बच्चों को भारत के जितने बच्चे हैं सबको ले आइए बायोलॉजी में सबको मैं पढ़ाऊंगा और ये विश्वास दिलाता हूँ क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा आपने ये लेक्चर सुनकर आपको खुद समझ में आ गया होगा कितने आसानी से सहज और सरल तरीके से मैंने आपको पूरी टॉपिक्स को करा दिया तो चलिए दोस्त अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी तब तक अपना ख्याल रखें स्वस्थ रहें खुश रहें मस्त रहें मुस्कुराते रहें जय हिंद